ACs? Oh, AC tuber. रात भर राइड के एक्साइटमेंट में सोया नहीं और सुबह हो रही है तो अब सोए जा रहा है। उठ जा भाई, आज तेरी राइड है, भूल गया? एसी, एसी ट्यूबर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माई लवली लवली फ्रेंड्स, लवली लवली व्यूअर्स। देखा आपने, ऐसे ही होता है। किसी भी राइड के शुरू होने के पहले वाली जो रात होती है, उस रात को नींद नहीं आती और सुबह इतनी गहरी नींद आती है कि आपके अंतर आत्मा की आवाज़ आने लगती है कि उठ जा भाई, नहीं तो राइड नहीं जा पाएगा। सो ऑल सेट। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, सब गियर्स वगैरह रेडी करके रखे थे मैंने रात को, एंड बस अभी निकलना है, फ्रेश होना है, नहा के निकलते हैं। बाय द वे, टुडे इट्स लाइक अ ब्रेकफास्ट राइड टू द अहमदाबाद हाईवे। मैं कहाँ जा रहा हूँ अभी तक उसका डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, क्योंकि मैं और मेरा जो एक फ्रेंड है, वी आर जस्ट राइडिंग, जो बहुत टाइम से राइड नहीं किया है। चलिए, आई होप यू विल एंजॉय दिस राइड। सी यू ऑन द रोड। तो हियर ही इज, सुबह का टाइम और ऐसा एक वाटर बॉडी, वाटर मास। जस्ट लुक एट दिस व्यू। सो हियर इज माय फ्रेंड कल्पेश, अ केटीएम राइडर। ही राइड्स केटीएम 200, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय वीडियो, माय ब्लॉग रिगार्डिंग द मालसेज घाट राइड, प्लीज टू वॉच। आपको लिंक इधर ऊपर मिल जाएगा। आज कुछ एडवेंचरस इतना नहीं है, इट इज जस्ट अ ब्रेकफास्ट राइड। मे बी लंच तक वापस आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ द हीट वी कैनॉट सस्टेन टू लॉन्ग अंडर सन, एंड इसके लिए हम लोगों ने अराउंड 8 बजे का टाइम रखा था कि आराम से उठ के आराम से निकलते हैं, बट पूरी बैंड बज गई। चलिए, आई विल टॉक टू हिम एंड देन वी विल कंटिन्यू। Just stop here for a short break. I guess abhi baj rahe hai, if I'm not too wrong, 10 baj rahe abhi, and we are just 35 kilometers away from Parsi-da-Dhaba, and Kalpesh is waiting for me and I'm talking to you. I'll tell him to move forward because he knows where to stop. I don't know Parsi-da-Dhaba. चलिए, लेट्स गो। एंड यहाँ पे बाइकर्स को जाने के लिए कोई लेन ही नहीं रखा है, हर लेन में फोर व्हीलर, ट्रक्स, बस सब घुसे पड़े हैं।
which toll plaza is this? So akadam tikadam karke jana padega. Kilometers on my Duke 390. Right now it is showing me 4005 kilometers. I hope you can see that. Dekha aapko? It is showing me 4005 kilometers. Hum log Maharashtra ka checkpost cross kar rahe hain. So in month of Feb, I had crossed the Maharashtra checkpost and entered Karnataka, and today I am crossing the Maharashtra checkpost again and I am going towards Gujarat, entering Gujarat. Koi nahi, kuch din bitayenge Gujarat mein, aayenge acche khase kuch din bitayenge ghumne ke liye Gujarat mein. There is ample of things, beautiful Gujarat. अभी यहाँ से लग गया गुजरात, पीछे गया हमारा सबका मैजेस्टिक महाराष्ट्र, और इन सब बातों में मेरा दोस्त कल्पेश कहाँ गया. एंड वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड आवर डेस्टिनेशन. जस्ट द थिंग इज माय फ्रेंड ही इज चेकिंग के जो उसने देखा था वही है या और कोई जगह है. सो वी कैन मेक श्योर. So we enter, take some rest. वही है, चलो वही है. So we need to take a U-turn and U-turn लेके around half or 1 kilometer we have to go. चलो सो दिस इज Parsi-da-Dhaba. इफ यू कैन सी होम स्टाइल कुकिंग वेलकम्स. एंड हम पहुंच गए हैं Parsi-da-Dhaba. So this is how the ambience looks. आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे बहुत बड़ा एक आम का पेड़ है. And all thanks to him. चलिए मैं आपको introduce करवा देता हूँ. Again, if you have not watched my Malsit Ghat का vlog, he is Kalpesh. Hi. Hi. And हम लोग का राइड प्लान होते ही रहता है. So ये गया था भूटान and इसके लिए हम्पी बदामी का ट्रिप मुझे अकेले करना पड़ा. सो इसके लिए आज पार्टी इसकी तरफ से. ओके चलो मजाक कर रहा हूँ. सो वी मेट इन KTM राइड. इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हमको मिले हुए कितने कल्पेश, एक साल हुआ नहीं हुआ? 15th अगस्त को मिले ना. 15th अगस्त को मिले, तो एक साल वाला सेलिब्रेशन करेंगे हम 15th अगस्त को. राइट, राइड पे जाएंगे साथ में. एंड सो फार सो गुड. अभी राइड करते करते लगी है थोड़ी भूख, पहले खाना खा लेते हैं, कुछ पेट पूजा, फिर आपको यहाँ का दर्शन करवाएंगे. Thank you.
Ahmedabad highway, and we took a U-turn as you saw when we came, and we are returning now. So the plan is to go towards Vandri lake. अभी पता नहीं, last time कुछ riders गए थे तो उनको gate बंद मिला. I hope हम लोग थोड़े से lucky हों and gate वगैरह बंद ना मिले. So let's see. My hairs are totally messed up. Helmet पहनने से होता ही है, कुछ नहीं कर सकते. So if you are lucky then हम लोग को Vandri lake मिल जाएगा. मैं first time जा रहा हूँ, बहुत सुना है उस lake के बारे में, कभी गया नहीं हूँ. So देखते हैं कैसा है वो. So far the ride is going very nice. So we took a left turn from सातीरा वाला समथिंग कुछ नाम था, वो क्रॉस करके अराउंड 3 किलोमीटर आगे आए टूवर्ड्स मुंबई, एंड वहाँ से एक लेफ्ट टर्न जाती है, उसका नाम ही है Vandri लेक रोड. सो ये जो आप देख रहे हैं दोनों आजू बाजू सब गांव है, गांव एरिया है यहाँ पे. एंड यहाँ पे अभी ये जो रास्ते से मैं जा रहा हूँ, दिस इज नोन एज Vandri लेक रोड. विलेज रोड टाइप है लेकिन ठीक है, रास्ते ओके है, एंड ज़्यादा तो हमको जाना है नहीं, बस 3 किलोमीटर अंदर है फ्रॉम द मेन हाईवे. ओके आई थिंक हम पहुंच गए हैं, आई थिंक सो. यस, जस्ट लुक एट दिस, सुपर्ब. चलिए, सो वी हैव फाइनली रीच्ड Vandri लेक. बहुत दिन से आना था, इतने सारे व्लॉग्स में देखे हैं मैंने Vandri लेक. सो मैं मुड़ जाता हूँ तो आपको Vandri लेक क्या है वो दिख जाएगा. सो एट माई बैक इस Vandri लेक. यहाँ पे ये जो पीछे आप रोड देख रहे हो मेरे, दिस इज़ दी Vandri लेक स्ट्रीट, Vandri लेक रोड. एंड आज कुछ जर्नलिज्म करते हैं, हमारे जो दोस्त हैं उनको पूछते हैं, बताइए आपको कैसा लग रहा है. अच्छा लग रहा है, पानी में जाने का है. पानी में, पानी बहुत गर्म है यहाँ पे, और ज़्यादा गर्म है. मुझे तो यहीं पे बैठ के मज़ा आ रहा है, इसको पता नहीं क्यों पानी में जाना है. नहाना तो है नहीं पर फिर भी पानी में जाना है. बाय द वे मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, वहाँ पे दो लोग शायद मछुआरे हैं, वो कुछ मच्छी वच्छी पकड़ रहे हैं. वहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, सो वहाँ पे कुछ मच्छी वगैरह पकड़ रहे हैं. एंड दैट इज़ द डैम एरिया, छोटा सा डैम है, ज़्यादा कुछ बड़ा सा डैम तो है नहीं ये, बट लेक बहुत ब्यूटीफुल है. तो कल्पेश जी, और थोड़ा सा जर्नलिज्म हो जाए, क्या सोचते हो, आना चाहिए हमको बारिश में? ज़रूर आएंगे. श्योर. देखिए यहाँ दोस्तों आपके सामने ये कबूल कर रहे हैं, आएंगे, बाद में always नहीं बोलेंगे ready. तो फिर always से पार्टी लूँगा. ऑलवेज रेडी. चलिए, तो और एक ट्रिप Vandri का इन मॉनसून, ये तो पक्का हो गया. पक्का सही है. तो आप इन्जॉय कीजिए ये टाइम लैप्स, एंड हम थोड़ा सा चिल आउट करते हैं. बहुत ज़्यादा गर्मी है, गला सूखे जा रहा है कंटिन्यूस. एंड आई होप आज का छोटा सा थोड़ा बहुत व्लॉग जो मैंने बनाने की कोशिश की आपको अच्छा लगा होगा. सी यू लेटर.